मैं मंदिरा बेदी फिर से हाजिर हूँ एक्स्ट्रा शॉट्स के साथ आपका मनोरंजन जारी रखने के लिए। एक फिल्म बनाने में काफी समय लग जाता है, इस दौरान हर विभाग के लोग अपना अपना काम करते हैं, साथ ही बहुत सारी खट्टी मीठी बातें होती हैं और रिश्ते भी बनते हैं। फिल्म मेकिंग के सारे पहलू आपके सामने लाकर हम आपके मनोरंजन की मात्रा बढ़ाते हैं एक्स्ट्रा शॉट्स के साथ। वैसे हॉलीवुड के मुकाबले इंडिया में बहुत कम थ्रिलर फिल्में बनती हैं, लेकिन कभी कभार बनाए गए कुछ थ्रिलर्स यादगार बन गए, जैसे कि इत्तेफाक, तीसरी मंजिल और जुएल थीफ। आज जो फिल्म हम आपके लिए लाए हैं वो भी एक थ्रिलर है, एक ऐसी थ्रिलर जिसने रहस्य, संगीत, अच्छी अदाकारी और निर्देशन के क्षेत्रों में सबकी तारीफ हासिल की है। फिल्म है 1997 में रिलीज हुई राजीव राय निर्देशित गुप्त। त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर तले गुप्त का निर्माण किया गया। त्रिमूर्ति फिल्म्स की स्थापना की राजीव राय के पिता गुलशन राय ने। इसी बैनर तले जानी मेरा नाम, दीवार और त्रिशूल जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्माण हुआ था। गुप्त के पहले त्रिदेव, विश्वात्मा और मोहरा जैसी बड़ी एक्शन फिल्मों को डायरेक्ट करके राजीव राय ने इस बैनर की शान को बरकरार रखा। गुप्त के साथ मल्टी स्टारर एक्शन फिल्मों के माहिर राजीव राय ने पहली बार एक म्यूजिकल मर्डर मिस्ट्री बनाई। अपनी दूसरी फिल्मों की तरह गुप्त के लिए भी उन्होंने बड़े नामों को साइन किया। कामयाब अभिनेत्रियां काजोल और मनीषा कोइराला के साथ दिखे उस समय के उभरते सितारे बॉबी देओल, साथ ही हैं ओम पुरी एक महत्वपूर्ण किरदार में। सहायक भूमिकाओं में नजर आए परेश रावल, राज बब्बर, प्रिया तेंदुलकर, दलीप ताहिर, रजा मुराद, सदाशिव अमरपुरकर, प्रेम चोपड़ा, अशोक सराफ और हरीश पटेल जैसे मंझे हुए कलाकार। फिल्म की शुरुआत होती है साहिल यानी बॉबी देओल से, जो अपने सौतेले पिता राज बब्बर को कबूल नहीं कर पाता और इस बात पे उसकी अपनी माँ प्रिया तेंदुलकर के साथ भी अनबन हो जाती है। ये झगड़ा और भी बढ़ता है जब साहिल के बर्थडे पार्टी पे राज बब्बर उसकी सगाई उसी की क्लासमेट शीतल यानी मनीषा कोइराला के साथ पक्की करने की घोषणा करते हैं। इस बात पे साहिल भड़क जाता है क्योंकि वो अपनी बचपन की दोस्त ईशा यानी काजल को चाहता है। गुस्से में वो सबके सामने अपने सौतेले पिता को मार डालने की भी धमकी देता है। उसी रात को राज बब्बर का कत्ल हो जाता है और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इस कत्ल का इल्जाम बॉबी के सर पर लग जाता है और बॉबी को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन मनीषा की मदद से बॉबी जेल से भागकर असली कातिल को ढूंढना शुरू कर देता है। ओमपुरी का किरदार है पुलिस इंस्पेक्टर उधम सिंह का, जो बॉबी को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी लेते हैं। इन दोनों के बीच लुका छुपी चलती रहती है और उधम सिंह हमेशा अपने आप को साहिल के एक कदम पीछे पाता है। राजीव राय का निर्देशन काबिले तारीफ है। फिल्म की रोमांचकारी बात यह है कि दर्शकों को किसी न किसी मोड़ पे हर किरदार पर शक होता है। आखिर तक कोई ये नहीं कह पाता कि असली खूनी कौन है। इस अनोखी कहानी का आइडिया भी राजीव का ही है। स्क्रीन प्ले लिखने में उनकी मदद की उनके दोस्त शबीर बॉक्सवाला ने। जब मैं गुप्त लिख रहा था उस टाइम मैंने करीब 30-40 उन दिनों में LDs होते थे, DVD का ज़माना नहीं था, तो मैंने जितनी भी मर्डर मिस्ट्री की फिल्में बनी थी एंड स्पेशली गोइंग बैक टू अल्फ्रेड हिचकॉक, आई स्टडीड देम, आई डिडंट कॉपी एनीथिंग। मैं ये देख रहा था कि डायरेक्टर्स इसको ट्रीट कैसे करते हैं। गुप्त के डायलॉग्स के जिम्मेदार थे नईम शाह। राजीव राय की पहली फिल्म युद्ध के भी वो डायलॉग राइटर थे और गुप्त में वो एसोसिएट डायरेक्टर भी थे। बाद में उन्होंने रवीना टंडन और सुनील शेट्टी के साथ ऑफिसर डायरेक्ट की। He is my very dear associate and friend, and he has written a lot of films. He's also partially written Mohra and, of course, first film Yudh, then Gupt. Now he's done my new film also. We work together, or he likes to work with me because Naeem always says ki I started my career with you, so jo bhi aap mujhe bolenge, main karunga. राजीव राय की दूसरी फिल्मों की तरह इस फिल्म का भी संगीत उनके पुराने दोस्त विजू शाह ने दिया। त्रिदेव के ओए ओए, विश्वात्मा के साथ समुंदर पार और मोहरा के तू चीज बड़ी है मस्त मस्त जैसे सुपरहिट गानों के बाद आया गुप्त का गाना मेरे ख्वाबों में तू। त्रिदेव में कुछ और था, मोहरा में कुछ हमने सोचा था कि इस तरह का म्यूजिक करेंगे। वैसे गुप्त में उन्होंने आइडिया उनके माइंड में थी कि हम टेक्नो स्टाइल का म्यूजिक करेंगे, वो चाहे फास्ट गाना हो या स्लो, लेकिन बीट उसमें रहनी ज़रूरी है। तो उस आइडिया को माइंड में लेते हुए वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म। गानों के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, जो ज़्यादातर राजीव राय की फिल्मों के गीतकार होते हैं। गुप्त के सब गाने सुपरहिट हुए
और दुनिया हसीनों का मेला और टाइटल सॉन्ग गुप्त गुप्त को काफी पसंद किया गया। मेरा सबसे पहला गाना हमने रिकॉर्ड किया था वो दुनिया हसीनों का मेला, जो एक स्टेज नंबर जैसा था, बॉबी का इंट्रोडक्शन गाना था ये करके, और उसमें आई थिंक सो वी हैड गिवन इम्पोर्टेंस टू दैट फ्लूट साउंड विच वॉज अगेन डन विद द मिक्सचर ऑफ द ओरिजिनल फ्लूट एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक्स। गुप्त की लोकेशन देख के सबको लगा कि फिल्म विदेश में शूट की गई है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसलमेर, कोडिकनाल, कुल्लू मनाली और मुंबई में ही फिल्म को शूट किया गया। क्योंकि मेरे से एक सवाल पूछा जाता था कि आपने इस फिल्म में कहाँ गए विदेश, सब पूछते थे, और मैं जब उनको कहता था मैं कहीं भी नहीं, मैंने पूरी फिल्म इंडिया में मानते नहीं थे, क्योंकि जैसे कुल्लू मनाली में स्नो और डेजर्ट में गाना किया था, तो वो जो कुल्लू मनाली में किया था लोग समझते थे कि दिस इज स्विट्जरलैंड, अलॉट ऑफ पीपल। एंड और भी गानों में जैसे पेरियार लेक, कई लोगों ने समझा पता नहीं कहाँ किया, इट लुक्स लाइक इंडिया बट स्टिल दे थिंक ये इंडिया नहीं हो सकता क्योंकि और फिल्मों में नहीं आया, एंड इट्स अ डिफिकल्ट लोकेशन टू रीच। तो क्या आप तैयार हैं थ्रिल्स और सस्पेंस के सफर को तय करने के लिए? यकीन कीजिए, आज आप फिल्म बीच में छोड़ के कहीं नहीं जा सकेंगे और क्लाइमैक्स में असली खूनी को देख के आप जरूर चौंक जाएंगे। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकती। उम्मीद है कि एक्स्ट्रा शॉट्स के साथ आप इस रहस्य और सस्पेंस का मजा पूरी तरह से उठा सकेंगे।